मेवात के कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी ने नुहू में किया विजय संकल्प रैली को संबोधित। बता दें, बदन पर सफेद रंग की शर्ट, हाथ में संविधान की किताब और दिल में मोहब्बत की दुकान लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी गुरुवार को अनाज मंडी नुहू मेवात में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व सांसद राज बब्बर के अलावा कांग्रेस पार्टी के नुहू से उम्मीदवार आफताब अहमद, पुनाना से उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और भोजपुर झिरका से उम्मीदवार मामन खान इंजीनियर और हातिन विधानसभा से उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज सहित कई नेताओं ने शिरकत की। भीड़ को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के टाइगर, शेर और शेरनियां यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने भीड़ से उनका मूड पूछा तो तेज आवाज में सामने भीड़ ने अपना मूड बता दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पर हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं, जंगल में शेर आपको अकेला मिलता है, कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मैं उसका नेचर आपको समझाना चाहता हूँ। वह नफरत को नफरत से नहीं काटता है, वह नफरत को मोहब्बत से काटता है। उनके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है, और उसको कितना भी मारो, कितने भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वह नफरत को मोहब्बत से जवाब देगा। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और यहाँ जहाँ भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। पूरे देश में ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वह नफरत फैलाते हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। सांसद राहुल गांधी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, किसानों, गरीबों, लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया और ये आपका संविधान है। ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है, अगर इस संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जमीन, आपका धान, आपके पानी सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20 से 25 लोगों के हाथ में सब चले जाएगा। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, केंद्र राज्य के चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाली विचारधारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा, संविधान को विचारधारा, ये लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये भाजपा की ABCD टीम है, इनको आप समर्थन मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए, जहां भाजपा की सरकार को हटाने का काम कीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उसी दिन हरियाणा के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम गारंटी MSP किसानों को देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।